कितना है? 14 फीट। दुनिया में किसी मुमकिन नहीं है कहने को कुछ को कितने झूठ बोलो। जी जी, 21-22 को दिखाओ बुला लियो भाई को, पशुपालक दर्शन देख रहे हो इस वीडियो में। 34 इंच है भाई, 34 इंच जो पुट्ठे दावा करता हूँ वो इस दुनिया का नुगा देव। मेरे पास 15 क्विंटल जोटा गया है, उसको 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा जो 15 क्विंटल वेट तुलता होता है। कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। हमारी विजिट पहले भी इस फार्म पर हो चुकी है और इस बुल को मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज दिखाने का कारण कुछ और है। कुछ वीडियो में बुलों की हाइट लेंथ का पता नहीं लगता, तो आज इस छोटे हाथी, हम छोटा हाथी इसको कहेंगे और सुंदरता का राजा भी हम इसको कहेंगे, तो इस छोटे हाथी को आज हम फित्ते से माप कर दिखाते हैं कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है। एक बार फित्ता ले, तो हाइट लेंथ की हम जो कंपेरिजन है फित्ते से आज करेंगे, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई इस बुल की है। फित्ता नाक पर लगा लिया गया है, ये देखिए नीचे कर गौर कर। जो मापने का सही तरीका है ये है, यहाँ करें तो, और ये देखिए, दिखाएं एक बार कितना है। 14 फीट इस बुल की लंबाई हम इसे कहेंगे और हाइट पर एक बार फित्ता डाले कंधे पर, यहाँ से नीचे ऊपर तक, नीचे डालिए। पांच फुट दस इंच ऊंचाई है और 14 फीट लंबाई है। छोटा हाथी हम इसको कहेंगे और ये देखिए सींग क्वालिटी। चलाए एक बार, कुछ भाइयों की डिमांड रहती है वीडियो में कि भाई साहब अडर टेस्टिकल अच्छी तरह से बुल के दिखाए जाएं, तो ये देखिए टेस्टिकल, और यहाँ से आप बुल की अक्षमता माप सकते हैं। ये देखिए, अगर सामने 6 फीट का इंसान खड़ा हो तो वो भी ढक जाता है। वाकई शानदार बुल है, और ये देखिए उभरी ही नसें, तो प्रधान जी इस छोटे हाथी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं सबसे पहले जो हमारे दर्शक भाई जो चैनल को देख रहे हैं उसको सभी को नमस्कार करता हूँ, और भाई भाई जो हमारे बोलो डेयरी फार्म पर पहुँचे और वीडियो बनाने का कार्यक्रम आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और वीडियो बनाने पर नहीं, जो कि आप वीडियो बना करके भारतवर्ष के पशुपालकों को दिखा रहे हो और कुछ ही खा रहे हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब आ जाओ गोलू 2 के बारे में जी। काफी वीडियो पहले भी बन चुकी और आज भी आप बना रहे हो जी। जो बात पहले थी वो आज भी है, उस बात तो आज भी नहीं मुकर रहा। जितने कंपटीशन लड़ेगा जी उनमें फर्स्ट आओगा जी। कुछ भाई पहले का चैलेंज कर रहा है, हर सेटिंग है, सेटिंग कोनी चीज है, बिल्कुल ठीक है, चीज पर घमंड है, चीज पर विश्वास है, तो ये तो भाई जितने कंपटीशन लड़ेगा उनमें फर्स्ट आवे आवे को रोक नहीं, कहीं ना कहीं बुल में क्षमता भी है। आप पमाइश करी जी भाई, मेरे में ये तो अपनी जगह जो पमाइश करिए, पमाइश करने का सबका अपना अलग तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी जगह सही। मैं सभी पशु पालक भाई जो दर्शक जो इस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लंबाई इसकी 14 फुट है जी, लेकिन ऊंचाई देखेगा तो इसकी 5 फुट 7 इंच है जी। जी ये कहने की बात है मेरे की 5 फुट 9 इंच है जी, मैं गारंटी देखो 5-8 करके दिखा दो। नहीं, जैसे जो आपको कंपटीशनों का पता भी है, पिछले 25 साल से कंपटीशन भी लड़ रहे हैं, तो एक बार हाइट हमें बताएं किस तरह मापी। 5 फुट 7 इंच की हाइट है मेरे भाई जी, किस तरह मापी जाती है? यहाँ से लगा लिया फितर ये लेके नो जी, सीधा रखो जी, यहाँ तक लो, इसकी पूरी मैंने बार बार इसके वो लिया 5 फुट 7 इंच है जी। पूरी जो मेरी नजरों में आए हैं कि दी भाई कुछ जंगल मतलब हो रहा पता नहीं, बिल्कुल, लेकिन किसी भी बुल की आज तक 5 फुट 8 इंच हाइट नहीं है जी। जी अगर किसी होगी तो वह मेरी वो नजरों में नहीं है जी, क्योंकि कंपटीशन में 5 फुट 8 इंच का कोई भी बुल नहीं आया। एक चीज की इसकी मैं और खासियत जी, पहले वो हमारा गोडू भी था राजू के लिए जी, जो इसके पीछे की चौड़ाई है जी वो आप लगा सको। ये सभी दबाई देख लो भाई, कोकड़ पड़ तो नहीं हो जी। जी जी पूरी 20 इंच
एक फुट यानी 8 इंच। और तो जैसे पुट्ठे की चौड़ाई लोग मापते हैं। मैं इस बात का भी वादा करूं अगर कोई भारत में भाई इतना पुट्ठा माप का दिखाओ जी, इसमें फिर देख ले भाई। जी जी वो तो पूरा है 8। और भाई अगर चलाओ तो ये 9 भी है। जी जी 21 भी हो सकती है जी। इसी दुनिया में किसी मुल्क नहीं है कहने में को कुछ को कितने झूठ बोलो। जी जी 21 20 21 22 को दिखाओ, बुला लियो भाई को पशुपालक दर्शन देख रहे हो इस वीडियो में, मना बुला लियो आजो हमारे बुल के 21 इंच। जी जी कोई भी दिखा दियो 21 इंच पुट्ठा चौड़ा। और जो भी यह चौड़ाई है जी पकड़िए भाई, दो फुट 10 इंच जी कितनी होगी 34। 34 इंच है भाई, 34 इंच जो पुट्ठे की ऊपर की चौड़ाई है 34 इंच। 34 जी तो मैं 3 इंच की और गारंटी दी आगे 6 महीने के बाद। जी जी 3 इंच और चौड़ा क्योंकि अभी वो कहीं नहीं भर गया, 8 में 10 तोड़ लिए और ये बड़े बुजुर्ग हमारे कहते आए अब कहीं भरने के बाद या दांतों भरने के बाद 1 साल के बाद जोटा तैयार होता है जी, जो एडल्ट बुल तैयार होता है वो पूरे 5 साल में तैयार होता है। तो 3 इंच तो ये चीज देखने की है भाई पहने को कुछ हो। तो प्रधान जी जैसे लोग बुल तैयार कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा बहुत भाई मेरी वीडियो देखते हैं और बुल के फोन भी आते हैं भाई साहब हम बुल तैयार कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा एक 10 सेकंड का एक बताएं कि कैसी डाइट प्लान। तो डाइट के बारे में कुछ देखो उस बुल हमारे चढ़ा दे वो इतने 500 काट दे नहीं इतने मास चढ़ा दे हैं वो इस पर क्रॉसिंग के लिए छोटे बुलों को जो बाइस पे चढ़ सकते हैं। जी 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 तो जो बुल की बॉडी स्ट्रक्चर है वो बुल की ये होनी चाहिए ये जैसे भी भाई देख रहे होंगे थोड़ा सा बताएं कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं है बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर प्लेन है बिल्कुल साफ सुथरा है। जी जी मैंने पहली वीडियो में बता था उस बुल हमारे मोटे मोटे कर देते हैं वो कुल्ले ईट इतने बाहर काट दे जी वो गलत है बिल्कुल इसका जो वो है बिल्कुल देखिए बिल्कुल सारा हिस्सा बराबर है। और मैं कई बुलों भी देखता हूँ भाई इसको बहुत चौड़ा पाओगा जी अराड़ा बंदरी भर के चुतड़ पाओगे तो सारे ये करेक्टर मुकरा नहीं मिलते। तो प्रधान जी बिल्कुल मैं साफ सुथरा मैं अपने पूरा मन इस बुल पर विश्वास है पूरा इस पर अपना 3-4 साल से पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ और इसके अंग शरीर के अंग अंग में देख भी लिया कंपटीशन में खड़ा करके देख लिया दूसरों बुलों के साथ कंपेरिजन कर लिया मैंने जी तो मैं इसका कोई मुकाबला नहीं समझता है। तो वाकई ही तो लंबाई चौड़ाई चार दा था मैंने जब भी एडल्ट बुलों में खड़ा कर लिया था ये ठीक है वेट के कारण कहीं मार खा गया हो लेकिन आज वेट की भी कमी नहीं है। तो वेट कितना होगा प्रधान जी देखो कल न तो भाई कोई कहते मारे 15 क्विंटल को 16 क्विंटल हाँ बताते हैं लोग 17-18 क्विंटल। मैं ये दावा करता हूँ कोई इस दुनिया का नुका देव मेरे पास 15 क्विंटल का जोटा गया है उसको 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा जो 15 क्विंटल वेट तुलता होता है। तो व्यूअर्स भाई देखिए जितने भाई देखने वाले अगर 15 क्विंटल आप अपने बुल का वेट कराते हो 15 क्विंटल प्लस तो 1,00,000 प्रधान जी ने आज वीडियो में दावा किया कि एक चीज होगा मुर्रा का जी जी मुर्रा की बात मैं मुर्रा की बात कर रहा हूँ जी। तो कहने की बात है भाई मेरे में 17 क्विंटल मैंने फिर वही बात कर उस वक्त फिर कल को नीचा देखना पड़ा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इसमें लगभग 12 क्विंटल वेट होगा ज्यादा से ज्यादा शायद 12 भी ना हो। जी जी ठीक है जी तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।